आइए आज हम लोग फिर से अब 10+2 का जो हम लोगों का टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज के डिस्कशन क्लास में आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं। तो इस डिस्कशन क्लास में सर्वप्रथम आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं मुकेश सर आपका मैथ का डिस्कशन करता हूं। और मैथ में अभी तक में हम लोगों ने सेट 8 तक काम कर लिया है। निश्चित रूप से आप लोग कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाए होंगे। सेट 9 में जो क्वेश्चन है उस पर भी आज हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलेंगे और उसी प्रकार से आगे के सेट पे काम करने का प्रयास करेंगे, अगर वैसा क्वेश्चन फिर आगे मिलता है तो। आइए हम लोग सबसे पहले सेट 9 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी 51 नंबर क्वेश्चन में चलें। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है कि 5 tan θ = 4। हम लोगों को देखिए ये ट्रिगोनोमेट्रिक का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। 5 tan θ = 4, तो आपको ये पता है कि tan θ = आप लिख सकते हैं 4/5, और ये पता है कि tan θ को लिखते हैं sin θ / cos θ, बराबर में हो गया कितना, 4/5। अब आ जाइए, हम लोगों को वैल्यू पूछा जा रहा है 5 sin θ - 3 cos θ, 5 sin θ - 3 cos θ, और बटे नीचे देखिए लिखा हुआ है 5 sin θ + 2 cos θ, 5 sin θ + 2 cos θ, इस चीज़ का वैल्यू हम लोगों को निकालना। काम विशेष देखिए ऐसे क्वेश्चन में है नहीं, साइन के लिए 4 ले लेना है, कॉस के लिए 5 लेना है, रेशियो है तो उसका यूज डायरेक्ट करें। तो साइन के लिए अगर 4 लेंगे, यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे 5 × 4, माइनस करेंगे 3 × 5, नीचे आएंगे तो फिर 5 × 4, माइनस में करेंगे 2 × 5। अब तो सॉल्व कर लेंगे, बीच में 15 घटेगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ देखें बीच में 10 घटेगा तो 10 हो जाएगा, और इस प्रकार से आंसर हम लोगों ने 1/2 लिख लिया। तो आंसर हो गया हम लोगों का 1/2, यहाँ आपका प्लस साइन है नीचे, यहाँ प्लस कर लें। तो ये देखिए 10 और ये 20 और 10 को जोड़ेंगे तो ये 30 आ जाएगा, और तब यहाँ से भाग लगाएंगे, ये देखिए आंसर हम लोगों का 1/6 हो गया, जो कि आपके विकल्प ए में है, तो आंसर हम लोगों का ए हो गया। 51 के बाद अगर चला जाए तो 52 नंबर में देखें, दिया हुआ है tan a + b का मान, फिर tan a - b का मान y दे रखा है, पूछा है tan 2a का मान। तो केवल इस 2a को अगर देखा जाए तो हम लोग देखिए ऐसे लिख सकते हैं a + b, और फिर यहाँ आप इसके आगे लिख सकते हैं a और -b, ऐसा है आप यहाँ से प्लस कर लें, यहाँ a - b ऐसा लिख सकते हैं। ये देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे b कैंसिल हो जाएगा, a + a 2a हो जाएगा, 2a को ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि वैल्यू उसका दिया हुआ था। अब तो फार्मूला लगा लें tan a + tan b का, तो tan a + b अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा देखिए tan a + tan b, और बटे में नीचे 1 - tan a, और इंटू में हो जाएगा tan b। अब तो वैल्यू डायरेक्ट रख दें, आपको tan a + b का मान देखिए क्वेश्चन में दे रखा था x, और tan a - b का दिया हुआ था y, तो इसके बदले आप x लिखेंगे, इसके बदले आप y लिखेंगे, यहाँ 1 - ये xy हो जाएगा, तो आंसर हो गया आपका x + y / 1 - xy, जो कि आपके विकल्प 2 में है, तो आंसर यहाँ से हम लोगों का b नंबर हो गया। इसके बाद अगर बढ़े 53 नंबर क्वेश्चन में, 53 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 19 शेष फल, तो 12 से भाग देने पर कितना। ऐसे क्वेश्चन में केवल देखना है कि पहला रिमाइंडर कितना था 19, भाग लगाना है 12 से, भाग लगा दे जो रिमाइंडर हुआ आंसर हो गया, तो आंसर हम लोगों का 7 हो गया, जो कि विकल्प ए में है, तो आंसर ये लिख दीजिए। 53 के बाद बढ़े 54 नंबर में, कहता है एक विक्रेता को 7 चीज बेचने पर 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो जैसे ही देखे विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कहा तो जितना कहा वो लिख दिए, और विक्रय मूल्य के बराबर कहेगा तो टोटल इसको घटा देना है, तो टोटल 60 था तो 60 और माइनस 15 कर लेंगे, और 60 माइनस 15 करेंगे तो ये 45 हो जाएगा, डायरेक्ट 45 लिख देते हैं, गुना 100 कर लीजिए, परसेंट हो गया, ये 3 बार में कटेगा, आंसर देखिए 100/3% आया, 33.1/3, जो कि आपके विकल्प बी में है, तो आंसर आप बी लिख लें। 54 के बाद 55 में चले, कहता है किसी धनराशि पर 16% वार्षिक दर से प्रत्येक छमाही देय भुगतान के आधार पर प्राप्त एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और एक वर्ष के साधारण ब्याज, 16% रेट वार्षिक रहेगा यानी 8% वो छमाही हो जाएगा, एक साल में 2 छमाही होगा यानी 2 बार काम करना है 8% को लेकर के, निकालना है धनराशि, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है d
हंड्रेडवा यार का स्क्वायर, तो डी जो आपको डिफरेंस दिया हुआ है वो 56 है, यहाँ 56 लिख लें, यहाँ देखिए 100 लिख लेंगे, रेट आप केवल 8 का यूज कर लें, 4 से कैंसिल करेंगे ये दो बार में, ये 25 बार में, और तब यहाँ देखिए आएगा 56, 25 का स्क्वायर 625 करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 करेंगे, 4 से ये कैंसिल 14 बार में होगा, 14 गुना 5 करेंगे, 14 पच्चे 70 रेस 7 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 28 में 7 को जोड़ेंगे 35 रेस 3 हो जाएगा, अच्छा यहाँ से करेंगे तो 14 गुना 6 84 हो जाता है, और 84 में 3 जोड़ देंगे 87 हो जाएगा, तो 8750 आ गया, जो कि आपके विकल्प सी में है, तो आंसर सी लिख लें। इसके बाद अगर बढ़ें तो 56 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 56 देखे कहता है 2500 लोगों में से केवल 60% बचत करने की आदत पाई गई, उनमें से 30% बैंक में बचत करता है, 32% डाकघर और शेष शेयरों में। तो पहले तो ये देखें, अगर परसेंटेज का काम करें तो 100 में 60% बचाता है, तो यहाँ 60 लिख लिए, और इसमें भी 30 और 32 62% बचाता है, और शेष का आपको शेयर धारक है, तो यहाँ 60 का और 32 हो गया, तो 100 में 62 घटा देंगे, यानी ये 38% हो जाएगा। तो टोटल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो पहले यहाँ से गुणा करें, ये 0 हो गया, 48 रेस्ट देखिए 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से करेंगे तो 6 18 और 4 22 हो जाएगा, यानी टोटल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 22.8% जो है यही आपका शेयर धारक है। तो टोटल जो डाटा था वो आपका 2500 था, 2500 का निकालेंगे 22.8%, यानी बटे में 100, ये तो देखिए कैंसिल ही हो जाएगा, 25 8 200 0, 20 बच गया रिमाइंडर, फिर 50 और 20 को जोड़ेंगे तो 70 होगा, तो 0 लिखेंगे 7 बच जाएगा, फिर 50 और 7 को जोड़ेंगे 57, आंसर हो गया कितना 570, जो कि आपके विकल्प बी में है, तो आंसर आप भी लिख लें। 56 के बाद अगर चले तो 57 नंबर पे काम करते हैं। 57 नंबर कहता है 3 संख्याएं एक्स वाई जेड का औसत 45 है, तो एक्स वाई और जेड का औसत अगर 45 होगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 45 गुना 3 कर लेंगे, ये आपको 135 मिलेगा। फिर दे रहा है उनमें एक्स संख्या वाई तथा जेड के औसत से 9 अधिक है। एक्स के बारे में देखिए कहा गया वाई और जेड के औसत से 9 अधिक, तो इसका औसत निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, प्लस में 9 कर लेंगे। और दे रहा है वाई तथा उनमें एक्स संख्या वाई तथा जेड के औसत से 9 अधिक, और वाई तथा जेड का औसत वाई से 2 अधिक है, वाई तथा जेड का औसत, तो फिर वाई तथा जेड का औसत लिखेंगे, यानी वाई प्लस जेड वाई 2 करेंगे, और इसके बारे में कहा गया है वाई और जेड का औसत वाई से 2 अधिक है, यानी यहाँ बराबर में वाई प्लस 2 कर लेंगे। फिर कहा गया तदनुसार एक्स तथा जेड का अंतर निकालना है, आप डायरेक्ट इस समीकरण में जाएं, यहाँ एक्स लिखा हुआ है बराबर वाई प्लस जेड वाई 2, देखिए लिखा हुआ वाई प्लस जेड वाई 2, इसका वैल्यू क्या लिखा हुआ है हम लोगों को वाई प्लस 2, तब इसके बदले अगर चाहते तो वाई प्लस 2 वहाँ रख लेते, तो यहाँ हम लोग अगर लिख लेंगे वाई और प्लस में देखिए कितना 2, वाई प्लस जेड वाई 2 का वैल्यू ये हम लोगों को दिया हुआ है, एक्स बराबर करेंगे तो यहाँ प्लस में 9 हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई और बराबर अगर देखा जाए तो 9 और 2 देखिए कितना आ गया 11। अब देख लें आपको पूछा किसका वैल्यू जा रहा है, आपको कहा गया है एक्स तथा जेड का अंतर निकालना है, तो बारी बारी से काम करना होगा, 3 इक्वेशन हम लोगों के पास है, अब इसका काम करेंगे हम लोग। हम लोगों को देखिए यहाँ दे रहा है एक्स माइनस वाई और बराबर में हम लोग निकाल चुके हैं 11। अब इसमें या दूसरे रूप से अगर इस समीकरण को सॉल्व करते तो भी यहाँ देखिए ये इधर आता तो एक्स माइनस 9 हो जाता, और एक्स माइनस 9 का वैल्यू होता वाई प्लस 2 के, फिर इसमें से चला जाए कोई एक समीकरण को उठाएंगे और उसमें हम लोग जेड का वैल्यू या वाई का वैल्यू एक्स के टर्म में डाल लेंगे यहाँ से, या दूसरे रूप से इसको अगर सॉल्व करते हम लोग तो यहाँ से एक इक्वेशन दूसरा कोई बना लें डायरेक्ट, पहले ये देखते हैं इसको अगर हम लोग करेंगे तो 9 गुना 2 18 हो जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, यानी 2x बराबर देखा जाए तो यहाँ आएगा y प्लस जेड प्लस में 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से अगर किया जाए तो ये देखिए इधर आएगा तो यहाँ हम लोगों का है y प्लस जेड और बराबर में
ये आया 2y और प्लस में 4 आ जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ हम लोग देखें तो इसको अगर समीकरण का रूप दें, एक साइड अगर लाएं, तो यहाँ हम लोगों का देखिए x तो है नहीं, तो y प्लस z, और यहाँ से हम लोगों को इसको इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा y और माइनस में हो जाएगा z और बराबर, या इसी को इधर कर लें तो ये माइनस आ जाएगा, यानी z माइनस y और बराबर में देखिए आ जाएगा कितना 4, एक समीकरण आया। अब यहाँ आप लोगों को पता है z माइनस y का वैल्यू, यहाँ हम लोगों को पता है एक्स वाई और जेड का वैल्यू, यहाँ फिर हम लोगों को वाई प्लस जेड, हमको चाहिए एक्स और जेड में डिफरेंस, तो यहाँ से हम लोग वाई का मान निकाल, ये जेड का मान एक्स वाई का मान निकाल के इसमें डाल देंगे, तो वाई बराबर कितना आया जेड माइनस फोर इस समीकरण में। चलिए और यहाँ मान रख दीजिए ये 2x था, बराबर में देखें ये वाई था और प्लस, ये सॉरी वाई को जेड बनाना है तो वाई को जेड बनाए, वाई के बदले आप क्या लिख सकते हैं जेड माइनस फोर, यहाँ देखिए क्या है प्लस जेड और प्लस में 18 ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखा जाए तो जेड प्लस जेड देखिए 2z हो जाएगा, तो 2z को अगर लाएंगे तो 2x माइनस 2z हो गया, बराबर करेंगे 18 में 4 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, यहाँ से इस रूप से आगे बढ़ते रहें। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये दोनों से देखिए आप एक्स माइनस जेड करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे और वही 2 जो कॉमन है इधर जाएगा 14/2 हो जाएगा और आंसर देखिए हम लोगों का कितना 7 आ जाएगा। तो ये चीज़ हम लोगों को पूछा जा रहा था डिफरेंस, तो हम लोग इस समीकरण में गए सबको एक्स और जेड में कन्वर्ट कर दिए और इस रूप से आंसर ले आए हम लोग ऐसा, यानी एक्स माइनस जेड का, एक्स और जेड का जो डिफरेंस आया हुआ है वो हम लोगों का है 7। इसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो ये 7 नंबर आपका सी में था, तो आंसर आप 57 का आंसर लिखेंगे सी। आ जाए अब हम लोग चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में। 58 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों को दे रहा है 58, देखिए कहता है एक्स अनुपात वाई बराबर 3:4 निकालना है, 4x + 5y, एक्स वाई का वैल्यू देखिए 3:4 दिया और निकालना है 4x + 5y और अनुपात में 5x - 2y। ऐसे क्वेश्चन में कुछ करना है नहीं, x के बदले 3 और y के बदले 4, यानी जो भी वहाँ वैल्यू दिया हुआ है x और y का रेशियो में उसका डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। बताएं नीचे जो हम लोग लिखे 4x है, अगर यहाँ 3 रख देंगे तो 4 × 3 देखिए ये 12 हो जाएगा, 5 × 4 देखिए ये 20 हो जाएगा, इसमें जाएंगे तो फिर देखिए 3 रखेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, माइनस 4 × 2 करेंगे ये 8 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 32 हो गया और यहाँ घटाएंगे 15 में 8 को तो 7 हो जाएगा, आंसर 32:7 लिख लेंगे जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है, तो 58 का आंसर हम लोगों का बी हो जाएगा। 58 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो अब हम लोग चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 देखिए कहता है ए और बी की आय का अनुपात 2:3 और व्यय का अनुपात 1:2, आय है 2:3 और व्यय दिया हुआ है 1:2। फिर उसके बाद देखिए कह रहा है आपको कि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000, एक ही आय निकालना है, तो यहाँ भी अगर देखें ये आय है ये व्यय है ये आय है, तो ये डिफरेंस देखिए कितने का है 1 का, तो 1 बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 24,000। अब देख लें इसमें से आपको पूछा गया है ए की आय के लिए देखिए यहाँ 2 है तो इसलिए 2 बराबर निकाल देंगे, तो 24,000 में करेंगे 1 × 2 और आंसर देखिए हम लोगों को 48,000 रुपया आ जाएगा जो कि आपके विकल्प डी में है, तो आंसर आप यहाँ से डी लिख लें। 59 के बाद बढ़ें 60 नंबर क्वेश्चन में। 60 कहता है 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का रेशियो 4:1, तो 4:1 5 है, तो ऐसे ही बंटवारा कर सकते हैं कि 25 लीटर अगर है तो यह हो जाएगा 20 लीटर और यह हो जाएगा 5 लीटर, 25 में भागा 5 से करेंगे तो आ जाएगा आपको 5 × 1 और 5 × 4 कर लिए 20 और 5 हो गया। बाद में कहा जा रहा है कि उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिए तो अम्ल और पानी का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 लीटर अगर मिला देंगे तो 5 + 3 कर लेंगे, यहाँ तो 20 है ही, तो रेशियो अगर देखें तो 20:8 होगा, 4 से कैंसिल करके इसको 5:2 लिख सकते हैं, तो आंसर हो गया 5:2 जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है।
60 के बाद बढ़े 61 नंबर क्वेश्चन में, कहता है किसी राशि का इतने वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 है। राशि का 3/8 तो मूलधन 8 ले लीजिएगा तो ब्याज 3 हो जाएगा। दर निकालना है, दर के लिए फॉर्मूला पता है, ब्याज गुना 100/ में मूलधन 8 जो लिए थे इंटू समय कर लेंगे। समय दिया हुआ है आपको 6 पूर्णांक 1/4, तो 6 चौके 24 25/4 होगा, तो 25/4 लिख लेंगे यहाँ। 4 से यह कैंसिल कीजिएगा दो बार में, 25 × 50 से कटेगा दो बार में, आंसर देखिए आएगा 6%। 6% आपके विकल्प बी में है तो 61 का आंसर लिख लेंगे बी। 61 के बाद चले 62 में, कहता है 10 संख्याओं का औसत 30, बाद में पता चला 15 और 23 के स्थान पर 51/32। 15 और 23 के स्थान पर ये देखिए 15 और 23, इसको अगर जोड़ा जाए तो ये देखिए 38 आ गया, लिखे 51 और 32, इसको अगर जोड़ेंगे तो ये देखिए ये आपका 38 आ गया। इसमें अगर घटाएंगे 13 में 8 घटेगा 5, 7 में 3 घटेगा 4, यानी 45। तो 45 संख्या 10 है, यानी एवरेज में बदलाव है कितने का, 4.5 का। अब मूल एवरेज देख लीजिए, आप यहाँ ज़्यादा पढ़े हुए थे, एवरेज ज़्यादा निकला हुआ था, तो सही औसत के लिए घटा देना है। तो सही औसत अगर करेंगे तो आपका पहले वाला एवरेज 30 था जो कि बढ़ा हुआ था 4.5, इसको घटा देंगे 4.5 को, आंसर आ जाएगा 25.5 जो कि आपके विकल्प ए में है, तो 62 का आंसर लिखेंगे ए। 62 के बाद चलें अगर तो 63 नंबर पे चलते हैं हम लोग। 63 कहता है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। तीसरा अगर 1 ले लेंगे तो दूसरा 3 हो जाएगा, पहला दूसरा का भी 2 गुना है, इसका 2 गुना कीजिएगा तो ये 6 हो गया, रेशियो 6:3 और 1 का आ गया। अब कहता है तीनों संख्या का औसत 20 है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का योगफल। तीनों संख्या का औसत अगर 20 है तो हम लोगों को 20 × 3 कर लेंगे तो टोटल 60 हो जाएगा। 60 अगर है तो 6, 3, 9 और 1 10 से भागा देंगे, आपको सबसे बड़ा और छोटा का योगफल पूछा तो 7 से गुना कर लेंगे, 0, 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 × 21 = 42 हो जाएगा, तो आंसर 42 लिख लेंगे जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है, तो आंसर बी हो गया। 63 के बाद 64 नंबर में बढ़े, कहता है एक धारा की चाल 5 है, मोटर बोट विपरीत दिशा 10 किलोमीटर जाना वापस बिंदु पर आने में 50 मिनट का टाइम लेता है, तो शांत जल में मोटर बोट की चाल निकालना है। ये देखिए टोटल टाइम अगर टी ले लें तो यहाँ देखिए आ जाएगा कैपिटल टी के लिए 2dx/x²-y², जिसमें टी टाइम हो गया, डी डिस्टेंस हो गया, एक्स शांत जल में चाल, वाई धारा का चाल। वैल्यू को पुट करें तो ये 50 मिनट का है, 50/60 कर लें आवर बनाने के लिए। साथ ही साथ देखिए हम लोगों को डिस्टेंस दिया हुआ है तो 2 × 10 ये एक्स हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कर लिए। धारा का चाल 5 दिया हुआ था तो 5 का² 25 कर लें। यहाँ से ये 0, 0 देखिए कैंसिल ही हो जाएगा, 5 से आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं दो बार में। इक्वेशन अगर बनाएंगे तो x²-25 बराबर में देखा जाए तो 6×12×24 एक्स हो जाएगा। इसी को अगर देखें तो x²-25x, ये -24 होगा तो इधर आके -25x + x कर लेंगे, फिर -25 = 0 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे x-25 आएगा, +1 कॉमन लेंगे x-25 आएगा, तो x का वैल्यू अगर देखा जाए तो आंसर लिख लेंगे 25 किलोमीटर/आवर जो कि आपके विकल्प सी में है, 64 का आंसर सी लिख लें। 64 के बाद अगर बढ़ें तो अब हम लोग 65 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 65 देखिए कहता है कि पी तथा क्यू एक नल को 10 और 12 घंटा में पूरा भर सकता है जबकि टंकी को एक अन्य नल 6 घंटे में खाली कर सकता है, तीनों को 7 बजे चलाए तो चौथाई टंकी कितने समय में। पहले पूरा टंकी का अगर निकाल लें, 10, 12 और 6 है तो 10 का 12 का 6 का अगर एलसीएम देखा जाए तो ये 60 होगा, ये 6 डालेगा, ये 5 डालेगा और ये 10 निकालेगा, 6, 5, 11 में 10 घट जाएगा यानी बच जाएगा कितना, 1 लीटर। तो चौथाई अगर निकालना है तो पहले 60/4 कर लें तो ये 15 हो जाएगा, और 1 मिनट अगर 1 घंटा दिया हुआ है, 1 घंटा अगर चल रहा है,
इसका मतलब हुआ यहाँ आवर का यूज किया गया है, तो इसका मतलब आप 15 और बटे यहाँ देखें 6+5 भरने वाला, ये खाली करने वाला, तो कितना आया 1, तो 1 से भाग दे दें तो अगर भरने में लगा समय पूछा जाता तब हम लोग लिख लेते 15/1 यानी 15 घंटा लग जाता। आपको भरने का समय पूछा तो इसके लिए देखें चला कितने बजे था, सुबह 7 बजे उसको चलाया गया है, तो सुबह 7 बजे यानी 7 AM में जोड़ेंगे आप 15 आवर, तो पहले 7 में आप 5 जोड़ लेंगे 12 हो जाएगा और फिर 10 बचेगा तो आंसर हो जाएगा 10 PM, AM में चला तो PM हो जाएगा, आंसर 10 बजे रात्रि लिख लें, यहाँ रात्रि दिया हुआ है यानी विकल्प बी आंसर हो गया। 65 के बाद अगर चलें तो 66 नंबर में चलें, अंतर्वृत्त का त्रिज्या और एरिया दिया हुआ है, पेरीमीटर पूछा गया है, तो एरिया के लिए जो फार्मूला आपका आता है 1/2 इंटू पेरीमीटर करते हैं और इंटू में अंतर्वृत्त का रेडियस होता है, एरिया आपको दिया हुआ है 30 बराबर में करेंगे 1/2, ये परिमाप आपको चाहिए, अंतर्वृत्त का रेडियस तो दे ही दिया था आपको 2 और 2 देखिए कैंसिल हो जाएगा तो परिमाप बराबर आप कितना लिख लेंगे 30 सेंटीमीटर, आंसर आप लिखेंगे 30 सेंटीमीटर जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है, तो 66 का आंसर हो गया आपका सी। इसके बाद अगर आगे बढ़े हम लोग तो चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि एक आयताकार बक्से के तीनों बीमा, बीमा यानी LVH का योगफल दिया हुआ है 12, तो 67 नंबर में चला जाए तो L+B+H = देखिए आपको दिया हुआ है 12, साथ ही साथ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 94 और अधिकतम छड़ की लंबाई यानी विकर्ण निकालना है, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करें तो L² + B² + H² + 2 × LV + BH + LH और बराबर में देखिए 144, आपको पहले ये वैल्यू निकाल लेना है तो इसके लिए 144 और माइनस कर ले, यहाँ से यहाँ तक का मान वही आपका टोटल सरफेस एरिया होता है और ये दिया हुआ है 94, तो इधर लाके 94 कर लें, यहाँ से अगर हम लोग विकर्ण निकालेंगे सबसे बड़ा अच्छा तो वो देखिए होगा L² + B² + H² √ 4 में 4 को घटाएंगे और यहाँ देखिए 14 में 9 को घटाएंगे, इसी को आप चाहें तो √50 जो है इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं 5√2, तो सबसे बड़े छड़ की लंबाई हो गया 5√2 जो कि आपको विकल्प ए में दिया हुआ है, तो आंसर आप लिख लेंगे ए नंबर। इसके बाद अगर चलें 68 नंबर में चलते हम लोग, 68 देखिए कहता है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दिया हुआ है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, अंतःवृत्त का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो आप इसके लिए पहले उसका रेडियस निकाल लें और अंतःवृत्त का जो रेडियस होता है त्रिज्या होता है वो कितना हो जाएगा a/√3, बाह्यवृत्त का निकालना होगा तो 2 से गुणा कीजिएगा a/√3, ए आपको देखिए दिया हुआ है 14√3, तो यहाँ से अगर हम लोग करेंगे 14√3 में भाग देंगे 2√3 से तो ये 7 हो जाएगा, आपको चाहिए था एरिया, एरिया हो जाएगा π/r², तो यहाँ 7 × 7 करेंगे 22 × 7 करेंगे ये आ जाएगा 154 सी विकल्प में है, तो आंसर आप लिखेंगे सी। इसके बाद अगर चला जाए तो 69 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, 69 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यदि 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीव आपने वृत्त के केंद्र से 15 मीटर की दूरी पर है, 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा, यहाँ देखिए सर्किल बनाए, ये जीवा दे दिए, यहाँ से ये दूरी 15 दिया,
ये 16 है तो इसका आधा कर लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 15 अगर है और ये 8 है तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, ऐसे का हम लोग रेडियस निकालेंगे। पूछा जा रहा है हमसे 16 लंबाई जीवा 15 सेंटीमीटर दूरी पर उसी वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर के दूरी पर है। तो पहले यहाँ से ये निकाल लें कि इसका रेडियस कितना होगा, तो ये 225 ये 64 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 225 प्लस 64 करेंगे ये 289 आएगा, इसका वर्गमूल 17 होगा। अब यहाँ से अगर हम इधर एक रेखा खींच दें जीवा, तो ये देखिए हम लोगों को पता है कि ये 17 है और ये डिस्टेंस इस बार 8 कह दिया, तो यहाँ से अगर इस जीवा को निकालेंगे, मान लें इसको ए बी लिखें, यहाँ ओ लिख दें और यहाँ सपोज करें एम लिख दें, तो अगर हम ए एम बराबर निकालते तो एम के लिए 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कर लेते ये अंडर रूट हो जाता तो ये 15 आ जाता, और तब जीवा के लिए 2 से गुना कर देंगे तो 2 गुना 15 कर दिए तो 15 गुना 2 देखिए कितना आएगा 30 आ जाएगा। तो आंसर आप कितना लिखेंगे 30 सेंटीमीटर, जो कि आपके विकल्प सी में है, तो आंसर आपका हो गया सी। इसके बाद अगर बढ़ा जाए तो अब हम लोग चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का आपसे पूछा जा रहा है न्यूनतम मान। ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो ये ध्यान देना है कि न्यूनतम पूछेगा तो छोटा वाला को आंसर बनाएंगे, अधिकतम पूछेगा तो बड़ा वाला को आंसर बना लेंगे। तो न्यूनतम मान के लिए देखें छोटा वाला कौन है 2, जो भी कोफिशियंट साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो भी कोफिशियंट है उसमें कौन बड़ा कौन छोटा, बड़ा मान पूछेगा तो बड़ा वाला वैल्यू, छोटा मान पूछेगा छोटा वाला वैल्यू। हमको न्यूनतम मान पूछा गया तो आंसर डायरेक्ट देखिए कितना लिख दिए 2। इसके बाद अगर चलें 71 नंबर क्वेश्चन में, तो ये देखिए हम लोगों को दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर बराबर में दिया हुआ है 4। वैल्यू पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। यहाँ से आप डायरेक्ट भी एक चीज मान सकते हैं, एक्स के बदले डायरेक्ट 1 ले लेंगे, वाई के बदले भी 1 ले लेंगे, तो यहाँ भी देख के 1 होगा, यहाँ भी देख के 1 होगा, यानी एक्स बराबर वाई बराबर 1 लेने पर यह समीकरण सेटिस्फाइड हो जाएगा, ये भी 1 आएगा ये भी 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 हो गया। अब डायरेक्ट यहाँ से लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 भी आ जाएगा और 1 प्लस 1 देखिए आंसर कितना 2 लिख लेंगे। डायरेक्ट इस रूप से काम करें ऐसे क्वेश्चन में, आंसर हो गया ए नंबर 71। के बाद चलें 72 नंबर में, कहता है एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर बराबर देखिए वाई प्लस जेड लिखा हुआ है और बाद में फिर वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स है, बाद में पूछा जा रहा है 1 बटे x प्लस 1, तो 1 बटे x प्लस 1 चाहने के लिए इसमें दोनों साइड पहले x को जोड़ लें और तब देखिए यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा और तब इसमें x को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस x या x प्लस 1 जो भी लिखें ये आएगा और तब यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा और यहाँ से आपको 1 बटे 1 प्लस x मिल जाएगा और 1 बटे x प्लस 1 लिखें या x प्लस 1 लिखें तो ये देखिए आया x बटे x प्लस y प्लस जेड। अब डायरेक्ट यहाँ से मान पुट कर लें, यहाँ से ये देखिए 1 बटे x प्लस 1 प्लस 1 बटे y प्लस 1 प्लस 1 बटे z प्लस 1, इसका मान हमको निकालना था। डायरेक्ट ये वैल्यू देखिए सेट अगर करें हम लोग तो यहाँ क्या लिखे x बटे x प्लस y प्लस जेड, तो बस ये ध्यान देना जैसे इस टर्म का काम किया वैसे ही बाकी का काम होगा। और याद रखने के लिए देखना कि यहाँ x प्लस 1 कर रहे थे तो ऊपर x आया, तो y प्लस 1 करेंगे तो ऊपर y आएगा आप इसको, और नीचे तो हमेशा आपको x प्लस y प्लस z आएगा, फिर यहाँ z बटे x प्लस y प्लस z आ जाएगा और तब इसका LCM लेंगे तो x प्लस y प्लस z होगा और ऊपर में भी आपका x प्लस y प्लस z लिखा हुआ है, ऊपर नीचे सेम चीज है तो उसको कैंसिल किया जाएगा तो वो रिजल्ट आपको 1 देता है। तो काम बस ये समझना एक स्टेप इसी के अनुसार दूसरा उसी के अनुसार तीसरा, लेकिन सारा स्टेप बार बार करेंगे तो वक्त लगेगा तो एक बना के उसको शुरू से एडजस्ट कर लेंगे। अब हम लोग 72 के बाद अगर चलें तो अब बढ़ते हैं हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन में। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को दे रहा है, वो कहता है x प्लस 1 वाई x बराबर है रूट थ्री,
73 में आ जाए, x प्लस वन बाय एक्स बराबर देखिए रूट थ्री है, यहाँ से अगर दोनों ओर क्यूब कर लेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब के लिए देखिए राइट साइड का क्यूब हो जाएगा, यानी यहाँ आप लिख सकते हैं रूट थ्री का क्यूब, और माइनस में थ्री ए भी करेंगे ये थ्री रूट थ्री हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये थ्री रूट थ्री आएगा, माइनस थ्री रूट थ्री करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। इसमें अगर अब एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम देखिए यहाँ एक्स क्यूब होगा, यहाँ एक्स पे पावर सिक्स प्लस वन बराबर जीरो है, इसी को और आगे बढ़ाते तो एक्स पे पावर सिक्स बराबर आप देखें तो क्या लिख लेंगे माइनस वन। मैंने ये क्वेश्चन था, अब तो चले यहाँ से आपको वैल्यू चाहिए एक्स पे पावर अट्ठारह प्लस एक्स पे पावर बारह, एक्स पे पावर अट्ठारह प्लस एक्स पे पावर बारह प्लस एक्स पे पावर सिक्स और प्लस में दिया हुआ था वन, मान पुट कर दें। इसको देखिए आप लिख सकते हैं इस रूप से, उसी प्रकार इसको लिख सकते हैं इस रूप से, और यहाँ तो डायरेक्ट लिखा हुआ ही है, इसके बदले जब माइनस वन डालेंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पावर में दो है तो प्लस वन आएगा, फिर यहाँ माइनस वन और प्लस वन हो जाएगा, प्लस माइनस सब डाटा कैंसिल होगा और आंसर हम लोगों को जीरो आएगा, और ये जीरो जो है आपके विकल्प ए में है, 73 का आंसर हो गया है। 73 के बाद अगर बढ़ा जाए तो अब हम लोग चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में। 74 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों को दे रहा है, 74 देखिए जो कह रहा है कॉस 39 का वैल्यू एक्स दिया हुआ है, और वैल्यू देखिए हम लोग को कॉस 39 का दिया हुआ है, और पूछा जा रहा है आपसे 1 बाय कॉस स्क्वायर 51 डिग्री, 1 बाय कॉस स्क्वायर 51 डिग्री, फिर देखिए प्लस का साइन है साइन स्क्वायर 39 डिग्री, साइन स्क्वायर 39 डिग्री, फिर प्लस में टेन स्क्वायर 51 डिग्री, टेन स्क्वायर 51 डिग्री, और फिर माइनस में लिखा हुआ है 1 बटे साइन स्क्वायर 51 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 39 डिग्री। यहाँ काम देखिए 39 है, सबको 39 केवल बना लें तो पहले तो ये देखें 1 बाय कॉसेक के लिए हम साइन लिखेंगे, यानी यहाँ होगा साइन स्क्वायर 51 डिग्री, यहाँ देखिए है साइन स्क्वायर 39 डिग्री, यहाँ है आपका टेन स्क्वायर 51 डिग्री, 1 बाय साइन करेंगे तो ये कॉसेक स्क्वायर और 51 डिग्री, ये है कॉस स्क्वायर 39 डिग्री। इतना डाटा आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग सबको अगर 39 बना लेंगे तो ये देखिए ये इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 39 51 को, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी ये आया कॉस स्क्वायर 39 डिग्री, यहाँ साइन स्क्वायर 39 डिग्री, और 10 को अगर यहाँ करेंगे तो 10 बदलता है कॉट में, इसके बदले लिखते हैं हम लोग कॉट स्क्वायर 39 डिग्री माइनस कॉसिक बदलेगा सेक में, तो यहाँ हम लोगों का आएगा सेक स्क्वायर 39 डिग्री, यह है कॉस स्क्वायर 39 डिग्री, इसका मान देखिए तो 1 और यहाँ भी देखा जाए तो 1, तो ये था प्लस 1 और ये है माइनस 1, कैंसिल हो जाएगा, बचा है आपका कॉट स्क्वायर 39 डिग्री, कॉट को अगर बदले कॉसिक में ये आपको आएगा कॉसिक स्क्वायर 39 डिग्री माइनस में 1, कॉसिक 39 का मान x है तो एक्स स्क्वायर और माइनस में 1 हो गया, जो कि आपको विकल्प सी में है, तो आंसर लिख लेंगे इसका सी। इसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो अब हम लोग लिखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन को। 75 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों को दे रहा है टेन 4 डिग्री, टेन 43 डिग्री, टेन 47 डिग्री, ये देखिए टेन 4 डिग्री है, फिर टेन 43 डिग्री है, फिर टेन 47 डिग्री है, और फिर टेन 86 डिग्री है, और इसका मान पूछा जा रहा है। काम केवल आपको एक ही करना है कि टेन जब भी रहे या कॉट जब भी रहे तो एंगल जोड़िए, ये देखिए 90 आ गया तो इसका मान 1 हो गया, ये भी देखिए 90 हो गया तो इसका मान 1 हो गया, दो एंगल मिला के अगर 90 हो रहा है और टेन और कॉट का सीरीज इंटू के रूप में लिखा हुआ है तो जब भी जुटेगा तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 इंटू 1 कर लिया और आंसर भी देखिए कितना 1 हो गया, जो आपके विकल्प सी में दिया हुआ है, तो 75 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग लिख लेंगे सी। इस प्रकार से
हम लोगों का सेट 9 कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग सेट 10 पे डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे, अगले क्लास में मिलने के बाद। धन्यवाद।